ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। अब सोचिए ना, आप दो पहिया वाहन पे कहीं से गुजर रहे हैं तो ट्रैफिक अधिकारी आपको हाथ देते हैं, इवन आपके पीछे दौड़ते हैं। इसमें कई बार आप भागने के चक्कर में गिरते हैं, कई बार आप खंबे से टकराते हैं, कई बार आप किसी चीज से टकराते हैं और ना चाहते हुए घायल हो जाते हैं। और ट्रैफिक अधिकारी ये कहते हैं कि भाई हम तो आपको बचाना चाहते हैं, हेलमेट लगाओ, जो दो पहिया वाहन के जो ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करो और इस पर अत्यधिक सवारी ना बिठाओ, दो की जगह तीन मत बिठाओ। आप चार पहिया वाहन पे जो कि फोर सीटर गाड़ी है उस पर अगर आप पांच या छह बंदे बैठा करके सवारी सफर कर रहे हैं तब भी सरकार आपका चालान काटने के लिए तैयार है और चालान काट भी देती है। हजारों रुपए का चालान आपको हाथ में थमा दिया जाता है, परंतु यहां मामला बहुत गड़बड़ है। पंजाब रोडवेज बस के ड्राइवर कंडक्टर्स ने यह कह दिया कि हम 52 से अधिक सवारी नहीं बैठाएंगे, तो उन पर भी कार्रवाई करने की नौबत आ चुकी है। अब देखिए ना, उनको जबरदस्ती कहा जाता है, जितने सवारी आते हैं बैठाओ, जितने सवारी आते हैं बैठाओ। अब जाकर के वो ड्राइवर जाग गए हैं। देखिए, होशियारपुर से बस स्टैंड से जब हमारे संवाददाता नवनीत सिंह चीमा ने ग्राउंड से रिपोर्ट हासिल करने की कोशिश की तो क्या कह रहे हैं लोग, बस के बाहर स्टिकर लगा दिए गए, 52 से अधिक अधिकारी ना बैठे, और कोई इस पर मेजरमेंट करने वाला नहीं है, कोई इस पे छापेमारी करने वाला नहीं है कि अब 52 से अधिक सवारी तो नहीं बैठा लिए, कोई इनका चालान काटने वाला नहीं है। तो सोचिए कि जो नियम हम दूसरों के लिए बनाते हैं उन्हें खुद कितना अपनाते हैं, या उस नियम पर हम खुद कितने खरे उतरते हैं। जब जो चीजें हम दूसरों को सिखलाते हैं उस चीजों पर हम ही अमल नहीं करेंगे तो लोग क्या अमल करेंगे। पंजाब रोडवेज, पैप्सू, ऐसे कई जो बसेस हैं सरकार के, अब उन्होंने महिलाओं को फ्री सफर दे रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जाते जाते घोषणा कर गए महिलाओं को फ्री बस का सफर मिलेगा। अब फ्री बस के सफर की घोषणा के बाद ना जाने कितने रुपए अभी भी पेंडिंग पड़ी होगी जो पंजाब रोडवेज को पंजाब सरकार ने देना होगा, उसका भी डाटा निकाल के अगली वीडियो में दे रहे हैं आपको। पर उसके बावजूद हुआ क्या, एकाएक बसों में बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ने लगी। और अब बढ़ती भीड़ को देखते हुए केंद्र सरकार का एक लॉ आया, हिट एंड रन। हिट एंड रन को लेकर के ड्राइवर भाईचारे ने एकजुट होकर के सारा काम धाम ठप कर दिया, पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लग गई। परंतु सरकार कब जागेगी भैया, ये ओवरलोडेड बस कहां जा रही है, ये जो कंडक्टर ये जो ड्राइवर बेचारे हैं हाथ जोड़ दे रहे हैं कि भैया अब तो मत चढ़ो, तो सरकार जी आंखें खोलो देखो और कुछ तो व्यवस्था करो। अगली वीडियो में मैं पूरे डाटा के साथ आपके साथ आऊंगा, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। फगवाड़े तक बस लाओ, ਇਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਗਵਾੜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਫਰ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿ ਵੇਲੇ ਸਾਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋਰ ਪਈਆਂ ਜਾਣ। An excellent coaching point in IELTS and spoken English. Also expert in study and visitor visa. Government approved. SS Group. Session Chowk, Hoshiarpur.